हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ZPlex पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है द पावर। मूवी की ओवर लेंथ है सिर्फ 2 घंटे 33 मिनट, सिर्फ 2 घंटे 33 मिनट भाई, क्योंकि मैंने झेला, अब तुम लोग भी झेलो। लेकिन पहले ये वीडियो देख लो, क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई। इस पर्टिकुलर मूवी के लिए मैंने ऑलरेडी 2 घंटे 33 मिनट वेस्ट कर चुका, लेकिन अब मैं इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। खैर, अब बात करेंगे इस मूवी की कहानी की। तो कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहाँ पर हमें एक क्रिमिनल फैमिली नज़र आती है जिसके हेड है महेश मांजरे का, जिनका इस मूवी में नाम है काली ठाकुर। अब इनके दो बेटे हैं, राम और देवी। तो यार, देवी का रोल यहाँ पर प्ले किया है विद्युत जम्वाल ने, जो कि एक शेफ है जो सिंगापुर में रहते हैं, लेकिन अब ये मुंबई आए हैं। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब देवी डिसाइड करते अपनी बचपन की दोस्त परी से शादी करने का। अब यहाँ पर परी का रोल प्ले किया श्रुति हसन ने, और ये एक मुस्लिम कैरेक्टर है। अब इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते, कैसे देवी की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, बस यही इस पूरी मूवी की कहानी है। खैर, बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो ये एक खिचड़ी है। अगर आप बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज देखते हो, तो यहाँ पर महेश मांजरे का, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर के साथ साथ राइटर भी है, उन्होंने उन सारी मूवी के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जितनी भी हिट मूवीज है, उन सबको मिला के एक ऐसी खिचड़ी बना दी गई जो ऑडियंस को किसी भी हाल झेलना ही झेलना है। और अच्छी बात यह है कि ये ZPlex पर रिलीज हुई, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। अगर ये थिएटर में रिलीज होती तो सुबह लगती और शाम को निकल जाती, इतनी बड़ी डिजास्टर है ये मूवी। इवन विद्युत जम्वाल के एक्शन सीन्स ने भी उसको बचा नहीं पाया। एक्शन सीन्स तो ऐसे है कि मतलब भाई बात ना करो वही बेटर। कैरेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कोई भी कैरेक्टर से आप लोग इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाते हो। उसके अलावा इस मूवी में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि एक तरफ गैंगवार देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ एक ऐसा कपल है जिनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और तीसरी तरफ फैमिली में पॉलिटिक्स चल रही है। मतलब यार, महेश मांजरेकर आखिर दिखाना क्या चाह रहे थे इस पूरी मूवी के थ्रू, समझ में नहीं आ रहा था। उसके इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो कुछ हद तक मुझे अच्छी लग रही थी, स्पेशली जो एक्शन सीन्स थे उसको यहाँ पर अच्छी तरह से पिक्चराइज किया है। लेकिन एक्शन सीन्स में आप लोग लॉजिक ढूंढने जाओगे तो वो लॉजिक आपको कतई नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेक्स में सीन है जहां पर विद्युत जम्वाल पानी के अंदर है, और वो पानी के अंदर से जो उछलता है, ऑलरेडी वो जख्मी हो चुका है, पूरी हालत खराब है, लेकिन जो उछलता है फिर वो मारामारी करता है। उसके बाद अभी क्या है, उसका जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही भाई है भाई। 2.5 घंटे लंबी मूवी, क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो इस तरीके की डिजास्टर मूवी 2.5 घंटे की? भाई कम से कम ये मूवी को ना 1 घंटे 45 मिनट की होना चाहिए था, यानी कि कट टू कट एकदम रखता ना कि भाई हो गया बना दे लो आप झेलो, ऐसा होना चाहिए था। ये मूवी एक ऐसी मूवी जो मैं 2021 में भूलना चाहूँगा। मतलब मैंने क्यों देखा वो आपको रिव्यू करने के लिए देखा, अगर ये चैनल नहीं होता तो शायद मैं ये मूवी देखता भी नहीं था। तो मैं आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि अगर आप लोग विद्युत जम्वाल के बहुत बड़े फ़ैन हो तो भाई ये मूवी मत देखना, क्योंकि सच बता रहा हूँ आपको खुद भी अच्छी नहीं लगेगी ये मूवी। और विद्युत ने इस मूवी को क्यों साइन किया आप लोग ये समझ ही नहीं पाओगे। और महेश मांजरेकर सर को तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आपने वास्तव बहुत ही अच्छी मूवी बनाई थी, लेकिन अब मूवी मेकिंग बहुत ही हद तक चेंज हो गई है, तो थोड़ा बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट लाओ जो ऑडियंस को भी देखने में मजा आए और हमको भी एज ए रिव्यू करने में बहुत मजा आए। क्योंकि किसी भी मूवी को या किसी भी एक्टर को, किसी भी इंसान को क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि क्रिटिसाइजेशन अगर कोई मुझे भी करेगा तो मुझे ही बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर लोगों के पैसे जा रहे, क्योंकि ZPlex वाले अच्छी खासी अमाउंट ले रहे हैं, वो भी एक मूवी के लिए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी प्रॉफिट का सौदा नहीं है, उल्टा घाटे का सौदा है। तो अगर आप लोग फिर भी चाहते हो तो मूवी देख लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।